हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल का लास्ट ईयर 2022 का, जो 1 दिसंबर को शिफ्ट 4 हुई थी। सो लेट अस बिगिन। क्या क्वेश्चन हमारे लिए आज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का। अक्सर दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ ही रहे हैं। देखिए, रीअरेंजमेंट में था वी हैव बिन। क्या होता है कहिए में ना, आपके पास जब टास्क आती है तो आपको फर्स्ट एक सेंटेंस या सेंटेंस का छोटा सा पार्ट गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अगले सेंटेंसेस को कनेक्ट करना होता है। अगेन फोर ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू। सो लेट अस सी। वी हैव बीन एबल। अब देखिए, अगर हैव बीन लिखा है, हैव बीन के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट प्लस आईएनजी, या फिर वी हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, या फिर इसके बाद एक एडजेक्टिव आ सकता है। ऐसा अगर ग्रामर आपने पढ़ी तो आपको आइडिया होगा। येट इन चीज़ों को साइड रख के डायरेक्टली देखते हैं। वी हैव बीन द तो नहीं आ सकता, वी हैव बीन दैट, वी हैव बीन सीवियरिटी नहीं आ सकता। सो वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन। सो हम लोग एबल हैं आइडेंटिफाई करने के सर्टेन पैटर्न्स किस चीज़ में, इन दैट, इन सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, नहीं इन द माइक्रोबियम एंड इम्यून रिस्पॉन्स। That means P के बाद Q ही आएगा। अगर मैं अपने options को चेक कर लूँ एक बार कि अगर P पहला सेंटेंस है तो ये ऑप्शन भी इलिमिनेट होगी और ये ऑप्शन भी इलिमिनेट होगी। ठीक है, अब पी क्यू यहाँ पे भी आ रहा है, पी क्यू यहाँ पे भी आ रहा है, बस मुझे फाइनलाइज ये करना है कि इसमें एस आर आएगा या फिर आर एस आएगा। तो लेट अस सी क्या आएगा। द माइक्रोबियम एंड इम्यून रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन एंड सीवियरिटी। ठीक है, एंड पे आप इस सेंटेंस को लास्ट तो रख नहीं सकते अपने आर को। अगर आर लास्ट नहीं आएगा दैट मीन्स ऑप्शन क्या आने चाहिए सही, पी क्यू आर एस। तो देखा जाए तो ऑलरेडी एक ठीक सीक्वेंस में लिखा गया था, ये पी क्यू आर एस ही इसका एग्जैक्ट आंसर था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। सेंटेंस गिवन है आपको, हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ, क्या गीता के पास कोई प्रीवियस नॉलेज है, किस चीज की नॉलेज की बात हो रही है। लेट अस सी। नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर्स कोलीग, जूनियर कॉलीग्स। अब आप देखिए, जब भी आप टू के साथ वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब की हमेशा क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन टू के अलावा अगर आप किसी भी अदर प्रेपोजिशन की बात करते हो, कोई भी अदर प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद अगर आपको वर्ब लगानी पड़ेगी तो वो वर्ब होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दैट मींस यहां मेरे पास मिस्टेक क्या आ रही है कि ऑफ के बाद जो वर्क लिखा है उसकी जगह क्या आना चाहिए था, वर्किंग। विच मींस मिस्टेक कहां पे है, नॉलेज ऑफ वर्क में। आंसर था नॉलेज ऑफ वर्किंग विद। ठीक है, ध्यान रखिए मेरी ये बात कि अगर तो आपको टू के साथ वर्ब लगानी है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन किसी भी और प्रेपोजिशन की आप बात करते हो, ऑफ हो गया या ऑन हो गया या अबाउट है, किसी भी अदर प्रेपोजिशन की बात करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चारों वर्ड्स पढ़िए फटाफट से प्लीज। पहला वर्ड है सिमेट्री, जिसमें मुझे कोई मिस्टेक लग नहीं रही, सी ई एम ई टी ई आर वाई। सेकेंड वर्ड है ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, एकोमोडेट के अंदर भी डबल सी और डबल ही एम आता है। नेक्स्ट है इंट्रूडर, इंट्रूडर होता कौन है, ट्रेसपासर, जो लोग ट्रेसपासिंग करते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि फोर्सफुली किसी की भी प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं। ठीक है, इसको इंट्रूडर या इन्वेडर भी कह सकते हैं आप, इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। लास्ट वर्ड में कुछ इशू है, लिखा हुआ है नेसेसरी। अब नेसेसरी में क्या होता है, सी सिंगल आता है, एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, डबल सी लिखा हुआ, दैट मीन्स ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। The monster trucks have very dash engines. They can probably pull a train coach without any problem. तो इसमें कहा गया कि जो monster trucks होते हैं उनके अंदर कैसे engines होते हैं। ठीक है, have dash engines. अब engines देखिए dominant तो नहीं हो सकते, dominant तो उनका क्या कौन हो सकता है,
जो ड्राइवर है, ठीक है, जो डोमिनेट कर सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगी। कैसे इंजन? फोर्सफुल इंजन, इंजन फोर्सफुल नहीं हो सकता, उसके अंदर फोर्स क्रिएट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। इंजन इंप्रेसिव भी नहीं, इंप्रेसिव इंजन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात हो रही है इंजन की पावर की। कैसे पावर की बात हो रही है? लिखा हुआ है कि वो शायद पुल कर सकते हैं ट्रेन कोच को विदाउट एनी प्रॉब्लम, दैट मीन्स उस इंजन की पावर की बात हो रही है, तो आंसर आएगा पावरफुल इंजन। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन का पावरफुल, बहुत ही इजी फिल इन द ब्लैंक था। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया, आपको दिया हुआ है चार सेंटेंसेस, उसमें एक वर्ड हाईलाइट किया गया एब्रोजेनिस, बताना है आपको कि कौन से चार सेंटेंसेस में एब्रोजेनिस जो है वो मिसस्पेल्ड है, ठीक है, सॉरी नो स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर कोई भी नहीं है। तो आप देखिए चारों वर्ड्स कहाँ कहाँ लिखे हैं, एक तो ये लिखा आया, दूसरा है एब्रोजेनिस, तीसरा है एब्रोजेनिस, चौथा है ये वाला ए बी ओ आर जी आई एन ई एस। देखिए एब्रोजेनिस नहीं है, एब्रोजेनिस है, ठीक है। अब यहां देखेंगे अगर आप तो स्पेलिंग लिखे हैं ए बी ओ आर जी आई एन ई एस, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहां देखे थे ए बी ओ आर आई है, यहां देखें ए बी ओ आर ई है बीच में, ए बी ओ आर आई, फिर बीच में वाई भी आ रहा है। वाई वाले तो वैसे आप निकाल दीजिए अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एब्रोजिनी होते क्या है, जो किसी भी कंट्री में किसी भी रीजन में बहुत ही एंशियंट टाइम से पाए जाते हैं, ठीक है। पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर एब्रोजिनिस इन द कंट्री। आपको बताना है किन में से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी ओ आर जी आई एन ई एस। एस लीड करते हैं तो सिंगुलर बन जाता है और एस लगाते ये बन जाता है प्लूरल, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द कंटिंजेंट मैनेज टू डैश सक्सेसफुली। कंटिंजेंट क्या होती है? जब किसी एक कंट्री या किसी भी एक रीजन से, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोगों का ग्रुप एक साथ बैठता है कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट मैनेज टू पार्क द डील, पार्क तो नहीं होगी डील, पार्क तो गाड़ी होती है ना। नेक्स्ट आ गया क्लोज द डील, कैश द डील, कैश द डील भी नहीं होगा। हील द डील, डील को कौन सी चोट लगी है, तो आंसर आएगा क्लोज द डील। क्लोज द डील का मतलब होता है डील फाइनल करना, ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब क्या वर्ड गिवन है देखिए, यहां पे गिवन है फॉर राहुल एवरीथिंग वॉज अ डैश, जिसमें ब्रैकेट वर्ड गिवन है मॉडर्न। अब मॉडर्न का मतलब आपको पता है जो चीज बिल्कुल नई है, ठीक है, जो आज के टाइम से है। एक्सपीरियंस अंटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड, यहाँ पे वर्ड कौन कौन से गिवन है? एक तो मॉडर्न के लिए न्यू गिवन है, दूसरा ग्लोबल गिवन है, ग्लोबल मतलब जो चीज हर जगह पे है, नई है कि पुरानी है ये तो पक्का नहीं है, ग्लोबल नहीं हो सकता। फ्लैशी क्या होती है? जो ऑस्टेंटेशियसली शाइनिंग होती है, ठीक है, जो बहुत ही चीज शाइनी हो या बहुत ही ब्राइट हो उसको कहते हैं हम फ्लैशी। तो मॉडर्न कोई चीज फ्लैशी हो ऐसा तो नहीं हो सकता। एशियाटिक क्या होता है? जो चीजें या जो पर्संस एशिया से रिलेट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा मॉडर्न के लिए? न्यू, ए विल बी योर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसी के लिए फिल इन द ब्लैंक अगर आप करते हैं तो मॉडर्न मीन्स न्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कई क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं तो उसमें आपको घबराने की वैसे ज़रूरत नहीं है। कई क्वेश्चन मुश्किल होंगे तो वहाँ आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, अदरवाइज हर एक क्वेश्चन 10-15 मैक्सिमम 20 सेकेंड में सॉल्व होने वाला था। नाउ अगला सवाल है आपको ग्रामेटिकल एरर है, कहीं पे ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि किस पार्ट में मिस्टेक होगी। अगर नो एरर लिखा आ जाए तो उनको वैसे ही अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि नो एरर तो नहीं है कहीं, फिर भी वो एरर लगा देते हैं और क्वेश्चन में कई बार नो एरर ही होती है। देखिए रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे दोस्त हैं, एंड इट डू नॉट मैटर टू देम, उनके लिए मैटर नहीं करता एज टू हु इज वेल्दियर,
कि दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है। बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, आप साफ देखिए इसमें लिखा हुआ है इट डोंट, डू नॉट लिखा है इट के साथ। हमें पता है कि इट सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आने चाहिए, तो डू नॉट की जगह पे क्या आना चाहिए था, डज नॉट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा आपका बी, डोंट की जगह आएगा डजंट, इट डजंट मैटर। ठीक है, आपको पता ही होगा प्रोनाउन में ही, शी या फिर इट के साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है जिसके साथ एस और ई एस लगा होता है, तो प्लीज इसका बीच का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोरल वर्ड गिवन है, मोरल आपको पता है पहली बात तो एक एडजेक्टिव है, मोरल उसको माना जाता है जिसको बहुत अच्छी समझ है अच्छे और बुरे की। ठीक है, जो बड़ा सेंसिबल पर्सन है या जिसको अच्छे मैनर्स हैं, चीज़ों के साथ डील कैसे करना है। तो मोरल वर्ड के लिए फर्स्ट वर्ड गिवन है एथिकल, जो कि इसका राइट आंसर हो सकता है। ऑनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट कोई किसी पर्सन की करता है नहीं। अब देखो कोई पर्सन मोरल है लेकिन अपने घर में ही रहता है या अपने परिवार में रहता है लेकिन वो फेमस नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट बहुत बड़ी दुनिया में नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो पर्सन मोरल नहीं है। ठीक है, ऑनरेबल लोग जो बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बड़े मोरल ही होंगे। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि जो मोरल पर्सन है वो ऑनरेबल होगा ही होगा, तो ऑनरेबल इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है गॉडलीनेस, गॉडलीनेस का मतलब होता है जब बेसिकली बात आती है आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करते हो या फिर आप गुडनेस से काफ़ी रिलेट करते हैं, मोरल का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आ गया सिम्फनी, सिम्फनी क्या होती है, अ लार्ज म्यूजिक रिटन फॉर अ बिग ऑर्केस्ट्रा, तो इसका तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है, साथ में मिलता ही नहीं। ठीक है, एक बहुत बड़ा लास्ट म्यूजिक अगर लिखा जाए किसके लिए, बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए, तो उसको हम कहते हैं सिम्फनी, तो सिम्फनी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑनरेबल भी नहीं होगा और ना ही होगा गॉडलीनेस। उसके लिए राइट आंसर क्या होगा, मोरल मतलब एथिकल पर्सन जिसमें मैनर्स हैं, जो मैनरफुल है या मैनर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अ स्केलेटन इन द कबर्ड, ईडियम पूछा गया आपसे अ स्केलेटन इन द कबर्ड। अब वैसे भी देखिए आप कबर्ड में एक स्केलेटन किसी का छुपा के रख रहे हैं, दैट मीन्स बहुत ही ऑकवर्ड चीज़ होगी आपके लिए बताना। ठीक है, या फिर वो सिनफुल होगा, तो पहला है पॉपुलर फैक्ट, दूसरा है पॉपुलर फैक्ट, पता ही लग रहा है स्केलेटन इन द कबर्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है तो पॉपुलर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एन एम्बेरसिंग फैक्ट नोट टू बी केप्ट, नोट टू बी की केप्ट सीक्रेट, एन एम्बेरसिंग फैक्ट दैट टू बी केप्ट सीक्रेट। अब यहाँ कह दिया एम्बेरसिंग फैक्ट नोट टू बी केप्ट सीक्रेट, मतलब जिसको सीक्रेट रखना नहीं चाहते, लेकिन एक एम्बेरसिंग फैक्ट अपने कह दिया कि स्केलेटन इन द कपड़ है, दैट मीन्स एक ऐसा एम्बेरसिंग फैक्ट है टू बी केप्ट सीक्रेट जिसको सीक्रेट ही रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया डी नॉट सी, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया, उसका फिर से नेगेटिव कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है नेगेटिव, ऑप्शन डी एक एम्बेरसिंग फैक्ट जिसको सीक्रेट रखना चाहिए। राइट, नेक्स्ट द रैटल स्नेक, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। रैटल स्नेक कौन सा स्नेक होता है जो बेसिकली अमेरिका में पाए जाते हैं, बहुत ही पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज की बात हुई यहाँ पे। द रैटल स्नेक, रैटल स्नेक के जस्ट बाद इट तो नहीं आ सकता। ठीक है, आप देखिए ना जब सेंटेंस बनाते हो तो बिगिनिंग में एक सब्जेक्ट लगा के फिर आप वर्ब यूज करते हो, सब्जेक्ट कौन है, रैटल स्नेक है, कहीं ना कहीं वर्ब आ सकती है। रैटल स्नेक ऑर्गन्स नोज, अब देखिए वर्ब आ गई, रैटल स्नेक अगर सेंटेंस का आपके किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ का सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आएगी, तो रैटल स्नेक नोज, वो जानता है व्हेन टू लाई लो बिकॉज इट हैज स्पेशलाइज्ड जेकब सन्स। तो अगर आप देखें बिकॉज क्यों, क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज्ड जेकब सन्स की क्या है, जेकब सन्स ऑर्गन्स हैं, which gives it a heightened sense of smell to detect prey. That means अगर हम R से start करते हैं तो R के बाद क्या आएगा, P, R और P वाली option एक तो ये है, R में किसी और में R है ही नहीं, that means R P Q S ही आपके question का right answer होगा। ठीक है, पहला sentence आपको sure होगा कि R होगा, option check करेंगे तो R सिर्फ आपको option A में मिल रहा है, तो right answer, right sequence क्या होगी,
आर पी क्यू एस। ठीक है जी, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप करते रहिए, ढेर सारी प्रैक्टिस होने के बाद इसमें आप गलती नहीं करेंगे आपके, राइट। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वर्ड क्या है? डिलेक्टेबल। अब मैंने उस दिन ना वर्ड करवाया था, कईयों को ना खाने पीने का बहुत ही शौक होता है, ठीक है, तो वो लोग कौन होते हैं? गोरमेट। एक ऐसा पर्सन जिसको खाने पीने का शौक भी बहुत है, उसको नॉलेज भी है खाने की, ठीक है। यहाँ बात हुई डिलेक्टेबल खाने की, डिलेक्टेबल पाई की। डिलेक्टेबल क्या होता है? जो टेस्ट में बहुत ही अच्छा, डिलीशियस या टेस्टी होता है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास थी। पहला था स्टेल। स्टेल देखिए क्या होता है, जो बासी होता है, नॉट फ्रेश। ये तो बात कर रहा था स्वादिष्ट की, ठीक है, तो नोट फ्रेश तो नहीं हो सकता। इसमें लिखा है रटन, रटन मतलब गला सड़ा, उसको भी आप नोट फ्रेश कह सकते हो, ठीक है। यहाँ आया न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशन का कोई लेना देना नहीं है डिलेक्टेबल होने से उसके। अब देखिए ना, आप पाई खाते हैं, केक्स खाते हैं, कुछ भी आप जंक फूड की बात करें, अगर वो डिलेक्टेबल है मतलब डिलीशियस है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसके अंदर न्यूट्रिशंस भी हैं। न्यूट्रिशन का टेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। That means right answer आएगा delicious. Delectable means delicious, means tasty. ठीक है, next question आ गया हमारे पास। Direct speech given है, indirect speech में convert करना है। बड़े simple rules आपको पता ही हैं। Direct, indirect के पिछली classes में मैंने highlight किए थे। लिखा है the Charlton will be। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते टाइम सारी प्रेजेंट की चीज़ों को पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। मुझे इतना पता है, मुझे विल बी की जगह वुड बी चाहिए। विल बी ब्रेकिंग का करना है, वुड बी ब्रेकिंग आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा और यहाँ भी नहीं आ रहा। बिना सेंटेंस पढ़े आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो सारी मॉडल वर्ब्स प्रेजेंट की फॉर्म से पास्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। मुझे यहाँ पे कहीं पे वुड मिला ही नहीं अगली तीन ऑप्शंस में, इसलिए मैंने बिना सेंटेंस पढ़े पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर लगा दिया। ठीक है जी, निश्चिंत होकर लगा दीजिए, डोंट वरी। नेक्स्ट, फ्लाई इनटू अ पैशन। एक ईडियम है, टू बी एग्रेसिव एट टाइम्स, टू बिकम एग्रेसिव ऑफन, टू बिकम एंग्री सडनली, या फिर टू बी ऑलवेज एंग्री। हमेशा तो नाराज नहीं रहता ये पर्सन, इसका आंसर नोट कर लीजिए। फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब होता है टू बिकम एंग्री सडनली, जिसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको हम कहते हैं टू फ्लाई इनटू अ पैशन। नेक्स्ट, शालू हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। एक्टिव से पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। देखिए, एक्टिव पैसिव करते टाइम क्या करना होता है आपने, अगर हैज, हैव या हैड गिवन है तो उसके साथ आप बीन लगा दीजिए, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम देखते ये है कि शालू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज ऑर्डर्ड क्या है, वर्ब है, न्यू कॉपीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स न्यू कॉपीज आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेंगी, और न्यू कॉपीज के साथ फिर क्या आना चाहिए, उस हिसाब से हैव आना चाहिए, और हैव के साथ हमें लगाना होगा बीन। ठीक है, ये तो हैव बीइंग आ गया, गलत, हैज बीन। अब न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम की बात हुई थी, न्यू कॉपीज प्लूरल है तो हैज आ नहीं सकता, ऑप्शन गलत। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, फिर से हैज आ गया, ऑप्शन गलत। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैव बीन, मिल गया आपको हैव बीन। ठीक है, करना क्या था सिंपली आपने, कि यहाँ पे अगर हैज लिखा है तो आपको पता है कि बीन तो लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए तो वैसे ही निकल गई, इसमें भी हैज बीन था, इसमें भी हैज बीन था, इसमें हैव बीन था। लेकिन अब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन चुका है, कॉपीज बन चुका है, कॉपीज प्लूरल है, उस हिसाब से हैज की जगह आप हैव यूज करेंगे। दो ऑप्शन मुझे हैज वाली मिली, मैंने ये भी गलत कर दी, आंसर आ गया ऑप्शन बी, आराम से हो जाएगा, डोंट फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, गिवन सेंटेंस, गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन। सॉरी, ये वर्ड इसमें हाईलाइटेड है, इस वर्ड के बारे में पूछा गया। God has clearly blessed human beings for his glory. ठीक है, अब blessed word का आपको क्या पूछा गया, बिल्कुल एंटोनम। ब्लेस होता है किसी को दुआएं देना, और किसी को शाप देना क्या होता है, कर्ज करना। मीनिंग देखिए, ऑब्वियसली ब्लेस्ड का क्या आएगा, कर्ज्ड। प्रोड्यूस्ड नहीं हो सकता, अपॉइंटेड नहीं हो सकता, अप्लाइड नहीं हो सकता। ब्लेस किया है, ब्लेस का उल्टा क्या होगा, कर्ज करना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है यार, एक एक सेकंड में हो रहे हैं क्वेश्चन।
देखिए, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा प्लीज। आंसर होता है नार्सिसिस्ट, एक ऐसा पर्सन जो अपने आप से बेहद मोहब्बत करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट। अगला वर्ड है लुनेटिक, लुनेटिक होता है स्टूपिड। नाउ द वन हु लव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसको आप स्टूपिड तो नहीं कहोगे, राइट। नेक्स्ट आ गया स्टोइक, स्टोइक कौन होता है, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सुख मिले, दुख मिले, दर्द मिले, पीड़ा मिले, खुशी मिले, जो वैसा का वैसा ही है, ठीक है, उस पर्सन को हम बुलाते हैं स्टोइक, जो कि इसका आंसर तो नहीं हो सकता था। लास्ट है पॉलीग्लॉट, हु नोस में राइट्स भी आ जाएगा, स्पीक्स भी आ जाएगा, जो पर्सन बोलता है या लिखता है या जानता है मोर देन वन लैंग्वेजेस। तो उसको हम कहते हैं पॉलीग्लॉट पर्सन, ठीक है। तो जो अपने आप से बेहद प्यार करे उस पर्सन को बुलाते हैं हम नार्सिसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, एक्टिव से पैसिव का क्वेश्चन फिर से आ गया, ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। देखिए लिखा हुआ था हैज डाउनलोडेड, पीछे सेम रूल पे आ गया, अब मुझे क्या ढूंढना है, बीन, क्या था, ही हैज डाउनलोडेड द मूवी। अब मूवी सिंगुलर है, मतलब मुझे मूवी के साथ भी हैज ही चाहिए, बट साथ में बीन लगा होना चाहिए, ठीक है। हैज बीन गलत हो गया, मुझे क्या चाहिए था, हैज बीन, मुझे हैज बीन ऑप्शन ए में मिल गया, द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम टेंस के रूल पे ही दोनों के दोनों सेंटेंसेस आए हुए थे, दोनों क्वेश्चंस। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, जब आप किसी को इंडिकेट करते हो कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उस बैड एक्सप्रेशंस को, वरिंग एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं। आंसर पहले लिख लीजिए, आंसर होता है ओमनस, ओमनस का मतलब है वरिंग वाले एक्सप्रेशंस या फिर बैड एक्सप्रेशंस, जिससे ये पता लगता है कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, उसको कहते हैं ओमनस। ब्लीक क्या होता है, समथिंग बैड, कि कोई चीज़ ग्रो नहीं कर रही, ठीक है, वहीं पर स्टेबल है, होपलेस कह सकते हो आप। इसके ऊपर वर्ड गिवन था सस्पिशियस, सस्पिशियस कौन होता है, जो डाउटफुल होता है, जो शक करता है, ठीक है, किसी भी चीज को शक की नजर से देखता है वह पर्सन होता है सस्पिशियस। एक वर्ड गिवन था डेसोलेट, डेसोलेट बेचारा लोनली आदमी, बहुत ही सैड, ठीक है, तो वो डेसोलेट या डेसोलेट को आप लोनली या सैड कह सकते हैं, जो बिल्कुल अकेला होता है, बहुत ही सैड है, बहुत ही दुख में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द न्यू शॉप दैट ओपन्ड लास्ट वीक आर हार्डली सफिशियंट। पार्ट इसमें क्या हाईलाइटेड था मैं आपको बता दूं, दैट ओपन्ड लास्ट वीक आर हार्डली सफिशियंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इट एडवर्टाइज्ड अबाउट। आर हार्डली सफिशियंट स्टॉक मतलब नई शॉप स्टॉक है, नहीं तो नई शॉप के अंदर होगा ना स्टॉक। अब मैं कहूँ कि इस दुकानदार के पास कुछ नहीं है, दिस शॉपकीपर डज नॉट हैव, या फिर दिस शॉप डज नॉट हैव, इस शॉप के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो अगर आप बात करें आर तो गलत है, अगर आप शॉप की बात करें तो शॉप के हिसाब से कहीं ना कहीं हैज आना चाहिए और पास्ट में क्या आना चाहिए, हैड। साथ में हार्डली वर्ड को भी यूज़ किया गया कि शायद कोई सामान था उनके पास तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जिस चीज़ के बारे में करी थी। हार्डली हैडन्ट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है और साथ में नोट आ नहीं सकता, हार्डली इज हैविंग आ नहीं सकता। बेसिकली बात भी देकर देखें तो पास्ट की चल रही थी, ओपनड लास्ट वीक, जो लास्ट वीक ओपन हुई, इज हैड हो नहीं सकता, तो आंसर आ जाएगा हार्डली हैड, उनके पास शायद ही कोई सफिशियंट स्टॉक था प्रोडक्ट्स का जो कि उन्होंने एडवर्टाइज इसके बारे में करा था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हार्डली हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा छोटे से कॉम्प्रिहेंशन का, क्लोज टेस्ट कह लो इसको, 5 ब्लैंक स्पेस खाली हैं, आपको फिल करने हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर चैरियट रेसिंग। अब चैरियट रेसिंग क्या होती है, चैरियट होता है रथ, मतलब रथ वाली रेसिंग का ना उनको एक ना लत लग गई थी, उनको एक स्वाद पड़ गया था, ठीक है, किनको, रोमन्स को। अब आपको जब भी किसी चीज़ की लत लगती है, जब भी किसी चीज़ का आपको अच्छी लगने लगती है वो चीज़, तो आपको उसका टेस्ट पड़ जाता है, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा फर्स्ट का, द रोमन्स हैड डेवलप्ड अ टेस्ट, डिवेलप्ड अ ड्रॉप तो नहीं होगा, डिवेलप्ड अ स्पून फूड भी नहीं होगा चम्मच भर के,
या माउथफुल भी नहीं होगा. सो दे हैड डेवलप्ड अ टेस्ट. फर्स्ट तो फिल हो गया हमारा वर्ड टेस्ट के साथ. नेक्स्ट देखते हैं. Developed a taste for chariot racing. The dash of the game are so excited that sometimes कि गेम के कौन excited हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, गेम के जो कैंपेनर्स हैं, देखिए कैंपेन तो है नहीं, जो कैंपेनर्स आएंगे, गेम की बात हो रही है, कैंपेन कहाँ से आ गई. ठीक है, रिफॉर्मर्स मतलब जो बदलाव लाते हैं गेम में, बदलाव लाने की क्या ही जरूरत है बदलाव लाने वालों की. नेक्स्ट आ गया चैंपियंस. चैंपियंस तो एक्साइटेड नहीं होंगे, चैंपियन तो वो होगा ना जो एक बनेगा, वो तो एक ही चैंपियन होगा. नाउ सपोर्टर्स बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, जो बीच में बैठ के देख भी रहे हैं वो गेम को. तो आंसर आएगा सेकंड का सपोर्टर्स. सपोर्टर्स गेम के इतने एक्साइटेड होते थे कि कई बार इट मे डैश इनटू क्योस, कई बार वहां विपत्ति खड़ी हो जाती थी, कई बार इससे नुकसान भी हो जाता था. ठीक है, एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, बेचारे जो हार रहे हैं उनको तो दुख होगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो देखिए मे डैश इनटू क्योस, मे रीशेप इनटू, मे कन्वर्ट इनटू, मे अडाप्ट इनटू या मे ट्रांसफिगर इनटू. ट्रांसफिगर तो होता है ट्रांसपोर्ट कर दिया आपने चीज़ को, यहाँ से वहीं भेज दिया. ठीक है, नहीं हो सकता अडाप्ट, नहीं हो सकता रीशेप, नहीं हो सकता कन्वर्ट इनटू. शेप कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, कोई नॉन लिविंग चीज़ थोड़ी है जो शेप बदलेगी. ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता था इनटू क्योस, बदल जाता था क्योस कन्फ्यूजन या रायट्स मतलब बड़े दंगे में. ठीक है, नेक्स्ट द डैश इन विच रेसिंग टुक प्लेस वॉज कॉल्ड अ सर्कस. जहाँ पे रेस होती थी, आप खुद देखिए जहाँ भी रेस होती बहुत बड़ा स्टेडियम होता है. ठीक है, जहाँ पे खेला जाता है या फिर जहाँ पे रेस होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो स्टेडियम रूट सर्किट या ट्रैक. अब ट्रैक की बात करें तो ट्रैक में तो खाली लोग ही जाएंगे और कोई बैठ तो सकता नहीं. अब कोई भी ट्रैक है वहाँ पे रथ चल रहे हैं लेकिन देखने वाले कहाँ जाएंगे. ठीक है, तो स्टेडियम के अंदर रेस होगी जहाँ पे आसपास उसके चारों तरफ ऑडियंस बैठी होगी. सो क्या आएगा आंसर, द स्टेडियम इन विच, आंसर आएगा द स्टेडियम इन विच रेसिंग टुक प्लेस वॉज कॉल्ड अ सर्कस, उसको सर्कस बुलाया जाता था. द डैश वन वॉज द सर्कस मैक्सिमस इन रोम. ठीक है, दैट कुड होल्ड. अब यहां बात हुई द डैश वॉज वन द सर्कस मैक्सिमस इन रोम दैट कुड होल्ड अप टू 385,000 स्पेक्टेटर्स. अब खुद देख लीजिए यहां से कि आप स्टेडियम ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि बात हुई एक सर्कस मैक्सिमस की रोम में जो था. ठीक है, वो रोड या ट्रैक तो हो नहीं सकता, ना ही कोई सर्किट हो सकता है जिसके अंदर 385,000 स्पेक्टेटर्स बैठ पाए. ठीक है, तो आंसर तो स्टेडियम ही आ सकता था. अगर आप लास्ट फिल इन द ब्लैंक देखें द डैश वन वॉज द लार्जर वन वॉज द लार्जेस्ट. अब इसमें देखिए आप बात हुई आर्टिकल द से, पहली बात तो आपने एडजेक्टिव्स पढ़े होंगे, जब बात आर्टिकल द से करते हैं तो वहां पे एडजेक्टिव कौन सी डिग्री का आता है, सुपरलेटिव का. लार्जेस्ट लार्जर तो आ नहीं सकता क्योंकि कंपैरिजन नहीं हुआ किसी का. और इन्होंने साफ कहा इन रोम, पूरे रोम में बात हुई, पूरे रोम में सबसे बड़ा कौन सा था. हाइएस्ट तो मतलब ऊंचा हो गया, वो ऊपर थोड़ी चढ़ेंगे, चोटी थोड़ी है जहां पे जाके रथ चढ़ के रेस करेंगे, और ना ही हायर होगा. तो आंसर क्या आ जाएगा, जो लार्जेस्ट सर्कस मैक्सिमस था रोम में उसके अंदर ऐसा ऐसा हो सकता था. ठीक है, तो मैं तो इतना कहूँगा भाई शिफ्ट 4 तो बहुत ही आसान थी, बड़े आराम से आप विद इन 10-15-20 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं तो 10-15 मिनट्स के अंदर हो जाने चाहिए थे. बाकी आप रेगुलर क्लासेस लगाते रहिए, और भी आगे शिफ्ट हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं बड़ी जल्दी. थैंक यू.